नमस्कार छात्राओं, कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आप सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। छात्राओं, आज मैं आपको गद्य खंड से तीसरा पाठ सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता से गद्यांश की व्याख्या बताऊंगी। तो गद्यांश इस प्रकार से है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निखट्टू शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्य चरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्य चरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। बच्चों, इस गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से है, आचरण की भाषा सदैव मौन रहती है। इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जा सकता है। आचरण के कोश में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। वस्तुतः उसके सभी पन्ने पूरी तरह से कोरे हैं। इसकी ध्वनि मौन है। सभ्यता का आचरण स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त और मौन रहता है। आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के अंदर विद्यमान रहता है। इसके मीठे वचनों में उसी प्रकार की मौन भावना पाई जाती है जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छुपा रहता है। उसकी बोली स्पष्ट ना होने पर भी उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सभ्य आचरण के चार प्रमुख व्याख्यान हैं, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में लाने वाले इन तत्वों का जितना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है उतना इन तत्वों के वर्णन से नहीं पड़ सकता। इस प्रकार आचरण की भाषा मौन होकर भी आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाती है, अर्थात सदाचरण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। धन्यवाद।